हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी से अब क्या छिपाएं, अब तो आप ही सब जो है सब है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको क्या बताएं, पहले तो बहुत अच्छे चल रहे थे सारा कुछ। जब से शादी हुआ था, हम दोनों किए थे शादी, उस टाइम से बहुत अच्छा चल रहा था। बीच में दोस्तों मुझे जो है दो ठो बाबू रह गया था, बाबू था पेट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थी मैं, एक्सीडेंट हो गई थी। उसके बाद दोस्तों कोई था नहीं यहाँ पर देखने वाला, इसी वजह से घर लेके गए। घर पर जाने के बाद दोस्तों दो ठो बाबू हुआ था, वो भी साथ में मैं बाबू हो चुका था दोस्तों। तो बाबू होने के बाद दोस्तों उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। शीशा में बोला रखना पड़ेगा, एसी में उसमें रखा उसको। उसको रखने के बाद दोस्तों दो बच्चे थे, बोले डॉक्टर ने 2 महीने रखने पड़ेगा, उसके बाद ही इसका गारंटी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो उस टाइम तो दोस्तों बहुत पैसे की दिक्कत चल रही थी, इतना चल रही थी कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 भी नहीं था उस टाइम, इतना दिक्कत था। तो फिर भी सोचे हम जो कोई बात नहीं है, और बच्चे सही हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लगा देंगे। तो फिर भी दोस्तों मेरा दोनों बच्चे अभी। उसके बाद दोस्तों जब वो बाबू एक ठो बाबू को जब 22 दिन हो चुका था दोस्तों, डॉक्टर ने बोला ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों उसे नीचे कमरे में दे दिया गया, क्या जो यहीं पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, वो बाबू 3-4 दिन तो अच्छा रहे, और अचानक से एक दिन दोस्तों 2 बज रही थी रात, उस टाइम उसका दूध का टाइम था, ये भी बाबू को छुट्टी दे दिया था। उसने बोला कि ये तुम अपने पास रख करके देख लो बच्चा सही रहता है या नहीं। तो दोस्तों इसको भी उसी दिन रात में छुट्टी दिया था, बोला नीचे ले जाके देखो ऑक्सीजन तो नहीं कम था। तो हम दोनों बाबू को सुरक्षित रखे थे। तो दोस्तों इसका दूध का टाइम था 12 बजे, उसका टाइम था 2। तो फिर उसके बाद दोस्तों सोचे क्या जो पिला देंगे दूध 2 बजे उठ करके। 1 बजे इसको पिला, 1 बजे पिलाया, 1 बजे पिलाने के बाद सोचे हम उसको 2 बजे पिलाएंगे दूध जग करके। फिर दोस्तों जब 3 बजा, पता नहीं क्या हुआ उसके बीच, उसके बाद तो जब देखे बाबू को तो पता ही नहीं लगा दोस्तों जो बाबू नहीं है। तो फिर उसके बाद वहाँ से वहीं पर रहे थे, फिर इस बाबू को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया उसको भी। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ पर तकरीबन ऐसे ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था दोस्तों। उसके बाद पैसे नहीं रहने लगे दोस्तों, कुछ भी नहीं, इस बच्चे के भी पास नहीं कुछ भी करने के लिए पैसे रहने लगे। फिर गांव में जितने भी आदमी से पैसे लिए थे।